छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं में विज्ञान विषय में अध्याय 5 पढ़ेंगे, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो ये आवर्ती वर्गीकरण क्या है? आपको मालूम है कि बहुत सारे तत्व होते हैं प्रकृति में, जैसे कि विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं और यौगिक हैं जो तत्वों से मिलकर बने हैं। तो हम देखते हैं कि ये तत्व पड़े हुए हैं, इनको व्यवस्थित करना है। करीब अभी तक वर्तमान में 18, तो जो 100 प्रकृति में लगभग वर्तमान में 118 तत्व हैं। और कुछ तत्व ऐसे हैं जैसे कि 94 तत्व, ये प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये 118 तत्व हैं, हमें इन तत्वों के बारे में अध्ययन करना है। तो हम यदि 118 तत्व के बारे में अलग अलग अध्ययन करेंगे तो मुश्किल होगा। तो हम इनको कुछ ग्रुप में बांट देते हैं, जिन तत्वों के गुण मिलते जुलते हैं, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, उनको हम एक क्रम में जमा देते हैं। तो अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना, तो इसके लिए कई वैज्ञानिकों ने क्या किए, प्रयास किए। जैसे कि आप एक किराने की दुकान में जाते हैं तो देखते हैं कि सारा सामान, जैसे साबुन है, तेल है, विभिन्न प्रकार के, वो सब व्यवस्थित जमे हुए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि साबुन के लिए उसको 4 प्रकार के साबुन है तो अलग अलग ढूंढना पड़े। तो जैसे वह व्यवस्थित करता है, वैसे ही हम यहाँ तत्वों को उनके भौतिक गुणधर्म के आधार पर व्यवस्थित कर सकते हैं। तो सबसे पहले डोबो राइनर वैज्ञानिक ने तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए एक नियम बनाया। उसने तत्वों के 3 समूह लिए, कुछ तत्वों को, कुछ तत्वों के 3 समूह बनाए। क्या बनाए? 3 समूह बनाए। उस समय बहुत कम तत्व उसने बनाए। तो देखा उसने क्या किया कि 3 समूह बनाए, और उसने देखा कि जैसे मान लो एक तत्व है 1, 2, 3, तो जो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान है वो दोनों तत्वों के 1 और 3 का औसत होगा। उसने एक नियम बनाया कि जब उसने तत्वों को उनके आरोही क्रम में, परमाणु द्रव्यमान मतलब बढ़ते हुए क्रम मतलब आरोही क्रम में, तो 3 3 समूह बनाए, तो उसे अपन बोलते हैं त्रिक का नियम। और उसने देखा कि जो बीच के तत्व का परमाणु द्रव्यमान है, जो शेष 2 तत्व, ये 1 नंबर और 3 नंबर, इनका परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान, ये नियम उसने बताया। इस प्रकार इसे हम बोलते हैं त्रिक का नियम। अब हम देखते हैं कि उसने कौन कौन से 3 वो लिए। तो जैसे आप देखेंगे उदाहरण, उसने लिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। उसने देखा कि लिथियम का जो परमाणु भार है 6.9, सोडियम का है 23.0, और जो पोटेशियम का था वो 39.0। तो इसका और इसका औसत, इन दोनों का क्या निकाला, औसत निकाला, और उसने देखा कि ये औसत आता है, तो ये सोडियम का परमाणु द्रव्यमान। इस प्रकार उसने तत्वों को 3 समूह में बांटा। इस प्रकार उसने एक दूसरा वो भी लिया, ग्रुप लिया, कैल्शियम, एक धातु है, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। तो 1 3 का ये समूह बना, दूसरा समूह बना। इस प्रकार उसने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन ये जो त्रिक का नियम है ये सारे तत्वों के ऊपर लागू नहीं हुआ, कैल्शियम तक ही लागू हुआ, और उस समय बहुत कम तत्व ज्ञात थे, 56। और ये जो त्रिक वाला जो नियम था, उसने जो त्रिक का ये समूह बनाया,
तो इस प्रकार ये त्रिक समूह बनाए, लेकिन ये वाला जो डोबरे नायकर का जो त्रिक नियम था ये भारी तत्वों पर लागू नहीं हुआ। उस समय केवल ज्यादा नहीं 56 तत्व ज्ञात थे, तो उसने सोचा कि इतने ही तत्व रहेंगे, इसके बाद तत्व नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार ये नियम सभी तत्वों पर लागू ना होने के कारण ये क्या हो गया, असफल हो गया ये वाला। उसके बाद और भी किया, न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने प्रयास किया और तत्वों को ऐसे 8 समूहों में क्या किया, व्यवस्थित किया। जैसे कि संगीत के 8 स्वर होते हैं, और उसके बाद जो ये आपने सुने होंगे धा नी सा, सा जो आता है आठवां, वो फिर से पहले वाला जो सा है उससे मिलता है। तो इस प्रकार उसने क्या किया कि बताया कि तत्वों को यदि हम बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में क्या करें, व्यवस्थित करें, तो हर आठवें तत्व के गुण पहले तत्व से क्या करेंगे, मिलेंगे। जैसे आप देख रहे हो लिथियम के बाद आठवां तत्व आता है सोडियम, तो लिथियम और सोडियम के कुछ गुण मिलते हैं। बेरिलियम के गुण मैग्नीशियम से मिलते हैं। तो ये न्यूलैंड का अष्टक नियम भी कुछ ही तत्वों पर क्या हुआ, लागू हुआ। ये सारे तत्व पर नहीं हुआ। उस समय थोरियम तक तत्वों की क्या हुई थी, खोज हुई थी। और इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यूलैंड का अष्टक नियम भी सारे तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित करने पर क्या हुआ, असफल हुआ। अब न्यूलैंड के अष्टक नियम के कुछ मतलब कमियां थी, कमियां मतलब कुछ उनके बंधन थे, सीमाएं थी। तो मैंने अभी समझाया कि भारी तत्वों पर ये लागू नहीं हुआ, और उत्कृष्ट गैसों की उस समय खोज नहीं हुई थी। उत्कृष्ट मतलब हीलियम, नियॉन, ऑर्गेन, निष्क्रिय गैसें हैं, तो उन पर भी ये सिद्धांत मेल नहीं खाया। और इस समय अष्टक नियम को पालन करने के लिए उसने क्या किया, कुछ असमान तत्वों को एक साथ रख दिया। तो ये नियम जो सिद्धांत था केवल कैल्शियम तक ही क्या हुआ, लागू हुआ। तो हम देखते हैं कि न्यूलैंड का अष्टक नियम भी सफलता प्राप्त नहीं कर सका। उसके बाद मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने तत्वों को व्यवस्थित कर किया और उसको कुछ सफलता मिली। उसका एक नियम बनाया उसने कि जो तत्वों के गुणधर्म होते हैं, यह है मेंडलीफ का आवर्त नियम। तो उनके जो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, तो मेंडलीफ ने जो अपने नियम बनाए, जो एक सारणी बनाई, उसमें किसको आधार दिया, परमाणु द्रव्यमान को। परमाणु द्रव्यमान को आधारित करके, आधार बना के उसने ये नियम किया, और उसने एक सारणी बनाई जिसे हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा। उसने आवर्त सारणी में इस प्रकार 9 वर्ग बनाए। कितने वर्ग बनाए, 9। आप देख सकते हो नौवां वर्ग छोड़ दिया था। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और उसने एक नौवां जो वर्ग था, नौवां जो वर्ग था उसने खाली छोड़ दिया था। उसने भविष्यवाणी की थी कि कुछ तत्वों की खोज बाद में होगी और कुछ तत्व वास्तव में उसकी भविष्यवाणी के अनुसार सही निकले। इस प्रकार उसने ये जो ऊर्ध्वाधर लाइनों के द्वारा बटे हुए हैं इसको उसने वर्ग नाम दिया, और जो 36 आड़ी पंक्तियां हैं, ये आप देख रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आवर्त हैं। तो इस प्रकार उसने देखिए हर वर्ग को 2 भागों में बांटा, ए और बी उपवर्ग, ए बी, आप देख सकते हो यहाँ ए और बी उपवर्ग। और इस प्रकार तो सबसे हल्का तत्व देखिए हाइड्रोजन है। आप इस सारणी से संकेत हाइड्रोजन देख रहे हैं ये, और उसके बाद उसने ये जगह पूरी खाली छोड़ी हुई है, हाइड्रोजन। उसके बाद बढ़ते हुए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, इस प्रकार बढ़ते हुए क्रम में
तत्वों को व्यवस्थित किया, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी थीं कि इसमें हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, क्योंकि तो हाइड्रोजन के गुण इनसे भी मिलते जुलते थे, तो ये एक इसकी आवर्त सारणी की कमी थी। कहीं कहीं पर क्या हो गया कि भारी तत्वों को, अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को पहले रख दिया। आप यहाँ देख सकते हो ये तीन Fe, आयरन, कोबाल्ट, निकल। इसका देखिए द्रव्यमान 58.93, निकल का है 58.71, तो इसका द्रव्यमान पहले ज्यादा है, तो इसको बाद में आना चाहिए, लेकिन ये गुणों के अनुसार ये पहले आ गया। तो इस प्रकार भारी तत्वों को पहले रख दिया गया। तो भी इस सारणी से विज्ञान के जगत में तत्वों को जमाने में बहुत मदद मिली। इसमें कुछ कमियां थी। उसके बाद दूसरे मोसले नामक वैज्ञानिक ने इसमें क्या किया, संशोधन किया और एक नया नियम बनाया। आप देखेंगे मेंडलीफ के आवर्त नियम की कुछ कमियां। तो मैंने पहले बताया कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, और जो समस्थानिक है, समस्थानिक क्या होते हैं कि एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणु, जिनका परमाणु भार अलग अलग होता है लेकिन परमाणु संख्या समान होती है, गुणधर्म एक से होते हैं, तो उनका कोई निश्चित स्थान नहीं था। और कुछ परमाणु द्रव्यमान जिनका अधिक था उन्हें पहले रख दिया। ये क्या थी, कमियां थी किसमें, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। तो इस प्रकार मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें 9 वर्ग बनाए हुए थे। 9 वर्ग में से 8 और 1 खाली छोड़ दिया था, और इसमें जो आवर्त थे वो कितने थे, 7 आवर्त थे, जो 36 लाइन के द्वारा डिवाइड होते हैं। उनको आवर्त कहते हैं, और जो ऊर्ध्व पंक्तियों से डिवाइड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्ग। इस प्रकार मेंडलीफ की आवर्त सारणी। अब इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम। अभी मैंने आपको बताया कि न्यूलैंड ने बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को 8 का ग्रुप बनाया, और हर 8वें तत्व का गुण पहले तत्व से मिलता था। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में आपको बताना है, कितने वर्ग हैं, कितने आवर्त हैं, और किस प्रकार उसमें कमियां थी, और मेंडलीफ का क्या बताना है नियम। धन्यवाद।